अलैक्म तो आज हम CS401 का लेक्चर नंबर 10 शुरू करेंगे, जिसका नाम हमारे पास क्या डीबग इंटरप्ट। ये बेसिकली जो है ना, आप कह सकते हैं लॉजिकल बिल्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इसमें से शाजु नाजरी पेपर्स में आता है, ठीक है ना, क्योंकि सारा चैप्टर जो है ना प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये चैप्टर के जरिए ना आपको जो लेक्चर नंबर 9 है ना इंटरप्ट वाला, ये थोड़ा बहुत क्लियर कर सकता है आपका, ठीक है। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 11 है मल्टीटास्किंग शुरू हो जाना है, फिर स्टोरी डिवाइस शुरू हो जाना है, और लेक्चर नंबर 11 में थोड़ा बहुत कहानी जो है ना चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ये बस लास्ट लेक्चर है 10 वाला, जिसमें जो है ना इंटरप्ट के बारे में जिक्र है और कुछ भी नहीं। आपको आई थिंक सो जो दोस्त बॉस का आप कह सकते हैं डिबगर होता है, आपने उसका इंटरफेस देखा होगा, ठीक है ना। इसके ऊपर कहानी है, कुछ भी नहीं है। अब होता है क्या, हमारे पास जो 3 आपने याद रखना है, ये जो 3 फ्लैग्स है ना हमारे पास, ये कौन कौन से फ्लैग्स हैं, डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग। ये वो 3 फ्लैग्स हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। कौन से फ्लैग है हमारे भाई जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ नहीं करते, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना 0 फ्लैग पढ़ा था हम लोगों ने, उसके अलावा हमने पढ़ा था क्या नाम है 0 फ्लैग पढ़ा था, काउंटर फ्लैग पढ़ा था, वो तो मैथमेटिकल के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। लेकिन ये 3 फ्लैग हमारे पर डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग, ये हमारे पर डिपेंड नहीं करते किसके ऊपर, मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर, MCQs के तौर पर आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा जो हमारे पास करना जो मजे की चीज़ है, वो ये है कि भाई जो जारी मतलब डिवाइड पर 0 कर देते हैं, हमारे पास एक इंटरप्ट जनरेट हो जाता है, उससे हम लोग क्या कहते थे सिंगल स्टेप इंटरप्ट कहते थे, ठीक है ना। वो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास डिवाइड बाई 0 आ जाए, ठीक है ना, तो हमने अपनी तरफ से कैसे कोड शो करना है, इसे हम कहते हैं बाय हुकिंग, इंटरप्ट हुकिंग वाला जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना, इंटरप्ट 3 के साथ। अच्छा जी, जो हमारे पास डीबगर होता है ना, डीबगर हमारे पास जो है ना वो भी खुद से ही इंटरप्ट इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आप प्रेस करते हैं ना F1 या F2 की प्रेस करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टाइम में चला जाता है। वो करता है कि हमारे पास बेसिकली इंटरप्ट 3 इस्तेमाल करता है। वो क्या इस्तेमाल करता है, हमारे पास इंटरप्ट 3 इस्तेमाल करता है, जो हमारे पास जो है ना सिंगल स्टेप इंटरप्ट और ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट। सिंगल स्टेप इंटरप्ट हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास लाइन बाय लाइन कोड चले, यानी कि आप कह सकते हैं एक लाइन एग्जीक्यूट हुई उसके बाद एकदम से इंटरप्ट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, एक दूसरी लाइन एक्टिवेट करेगा, फिर क्या उसके बाद एक एक्टिवेट करेगा, वो इंटरप्ट एक्टिवेट कर देगा। मिसाल के तौर पर थोड़ा बहुत ईजी वर्डिंग में समझाऊं आपको मैं, आप लोगों ने कोड लिखा हुआ लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, लाइन 1 एग्जीक्यूट हुई उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक इंटरप्ट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। लाइन 2 एक्टिवेट होगी, एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद फौरन क्या हो जाएगा, इंटरप्ट एक्टिवेट हो जाएगा। लाइन 3 एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद फौरन क्या हो जाएगा, एक और इंटरप्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये वाला प्रोसेस है ना, जिसमें लाइन बाय लाइन यानी कि सिंगल स्टेप में हमारे पास एक इंटरप्ट एक्टिवेट हो रहा है, वो कौन है, डिबगर करता है। डिबगर देखें, जैसे कि आपने एक लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, F2 प्रेस करते हैं, एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, दूसरे दोबारा F2 प्रेस करेंगे, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होती है, वहाँ पर रुक जाएगा कोड, फिर तीसरी लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए दोबारा F2 प्रेस करते हैं आप लोग। वो होता है क्या, बेसिकली हर लाइन बाय लाइन कोड के बाद हमारे पास एग्जीक्यूशन रुक जाती है। वो कौन रोकता है, डिबगर खुद रोकता है इंटरप्ट बाय यूजिंग ऑफ इंटरप्ट 3 से, ठीक है ना। और उसे हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट कहते होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हम लोग ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट भी कहते होते हैं। वो करता है कि हमारे पास जो ऑप कोड होता है ना, जैसे कि AX का ऑप कोड अपना होता है, मूव का अपना कोड होता है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, उन सब चीज़ों को आप कह सकते हैं एक स्टोर कर देगा स्टैक के अंदर, कि मैंने अगली स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करनी है, अगला आप कह सकते हो ऑप कोड ये एग्जीक्यूट करना है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हो मैंने लिखा मूव AX, BX, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर मूव AX, BX। मैं यहाँ पर वन नोट ओपन करता हूँ, ठीक है ना, मैं आप लिखता हूँ मूव AX, BX लिखा मैंने, ठीक है ना, मैंने ये लिखा। अब होगा क्या, जो हमारे पास डिबगर करता है ना, डिबगर क्या करता है, हमारे पास जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप कोड होगा, यानी कि जो इसकी बाइनरी फॉर्म होगी उसको सेव करेगा स्टैक में, इसकी बाइनरी फॉर्म को सेव करेगा, इसकी बाइनरी कोड को सेव करेगा, सबसे पहले इसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर हमारे पास इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। वन बाय वन यानी कि लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट, ये हमारा पूरी की पूरी एक लाइन है, ये हमारे पास क्या पूरी की पूरी लाइन है। और इस लाइन के अंदर कितने ऑप कोड है, 3 ऑप कोड, एक मूव का ऑप कोड होगा, एक AX ऑप कोड होगा, एक हमारे पास BX ऑप कोड होगा, ठीक है ना। इस तरह करके हमारे पास डीबगर क्या करता है, काम करता होता है। इसके अंदर आप कह सकते हैं बस डीबगर का ही सारा काम है। और जो फ्लैग्स होते हैं, अगर हमने उसको स्टैक में पुश करना हो, किस में पुश करना हो, स्टैक में पुश करना हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुश है, यानी कि जो सा फ्लैग अभी मौजूद है ना, वो हमारे पास कौन से जाएगा, स्टैक में से जाएगा।
पॉप आपका मतलब क्या होगा, जो स्टैक है ना फ्लैग होगा उसे पॉप कर दो, ठीक है ना। और इसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ट्रैप फ्लैग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ट्रैप फ्लैग आपको मालूम है, हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर में 9 के अंदर, जिसमें हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं भाई हुक के साथ काम कर रहे होते हैं ट्रैप फ्लैग के अंदर। वो क्या करता है, हम उसके अंदर KBSI वाले जो कोड लगाते थे हम लोग ऊपर, ठीक है ना, वो काम कर रहा होता है उसके अंदर। 10.1 में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोड है ना, इसमें हमारे पास है ये तो प्रिंट आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में आगे, जो हमारे पास ट्रैपिंग का काम कर रहा है ना वो ये वाला काम है, ये चीज़, ठीक है ना। यहाँ पे इसका स्निपिंग टूल पे आता हूँ, ठीक है, ये कर कर है हमारे पास इतना कोड। ये कोड हमारे पास जो है ना ट्रैप फ्लैग को एक्टिवेट कर रहा है, ये वाला कोड, ठीक है, जिसके यहाँ पर जो है ना कंट्रोल है कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ये हमारे पास कर कर है। यहाँ पे देखें पुश एफ पॉप AX, यानी कि हमारे पास जो है ना जो AX ऑप कोड होगा ना उसे क्या करेगा, पॉप कर देगा, उसके बाद करेगा उसका ट्रैप फ्लैग के तौर पर एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ट्रैप फ्लैग एक्टिवेट हो रहा है। फिर क्या करेगा, ट्रैप फ्लैग एक्टिवेट करने के बाद जो नया कोड है ना उसे कहाँ कर देगा, पुश कर देगा इसमें कर देगा। फिर जो हमारे पता ट्रैप फ्लैग हमारे पास क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब फ्लैग एक्टिवेट हुआ है ना, फिर क्या करेगा, पॉप अप कर देगा। जो उसका फ्लैग एक्टिवेट हुआ है उसे क्या कर देगा, पॉप कर देगा। यहाँ पर ये जो लाइन कोड है ना, ये लाइन वाला कोड ये वाला काम कर रहा है। ये बता दूँ आपको, MCQ से पूछता होता है ये कोड वहाँ पे क्या काम कर रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है, इस टाइप के वो आप कह सकते हो कोड MCQ में आता होता है, ठीक है ना। कभी कभी शॉर्ट में आया था, 3 नंबर का शॉर्ट आया था कि इस कोड को एक्सप्लेन करो या फिर इस कोड के बाद क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस टाइप करके याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पूरे प्रोग्राम में होकर इसको एग्जीक्यूट तो नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर जो है ना इंटरप्ट साथ काम हो रहा है, और हमारा डॉस बॉक्स है वो प्रॉपर डॉस बॉक्स नहीं है, ठीक है ना। डॉस बॉक्स को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करने का तरीका क्या, जैसे हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं ना वैसे हम डॉस बॉक्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह में, ठीक है ना। ये तो हमारे पास आप कह सकते हो एमुलेटर है डॉस बॉक्स, ठीक है। जैसे हमारे वो ना VS कोड हो गया, फिर C++ का DevC हो गया, फिर कोड ब्लॉक हो गया, वैसे ही हमारे पास डॉस बॉक्स है। अच्छा जब यहाँ पर देखे थे ना हमारे पास वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सिंगल स्टेपिंग यूजिंग ट्रैप फ्लैग एंड सिंगल स्टेप एंड ट्रैप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप वजह समझना है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो है ना ये एक स्ट्रिंग बनी हुई है, ठीक है ना, और हम लोगों ने यहाँ पर ओल्ड ISR का मतलब क्या है आपको पता है, हमने जो एक ओल्ड ISR पे काम किया था, न्यू ISR पे काम किया था, बुकिंग के जरिए हमने अपनी न्यू ISR वहाँ पर रिप्लेस करी थी, ठीक है ना, और ओल्ड वाली ISR का जो कोड होता है हमने इसमें सेव किया था वेरिएबल के अंदर ये वाले, ठीक है ना। ये फ्लैग लिखा हुआ है कि हम किस फ्लैग के अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना। जब हम की प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम जो इसके जो 4 बिट होंगे ना ये वाले, इसके जो 4 बिट होंगे किसमें सेव कर देंगे, इसमें सेव कर देंगे, फिर उसे प्रिंट कर देंगे, इसमें यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है ये वेरिएबल बने हुए हैं, इस वेरिएबल के बाद जो है ना हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है सब रूटीन्स वगैरह। सब रूटीन्स में वो चीज़ हो रही है, प्रिंट नंबर में पुश है, BP हो रहा है, और यहाँ पर स्नैपचैट लग रहा है, स्नैपशॉट लग रहा है, सॉरी स्नैपचैट करो मैं, स्नैपशॉट लग रहा है, ठीक है ना, किसका, स्टैक पॉइंटर का, ठीक है ना, किसके ऊपर, वहाँ बेस पॉइंटर के ऊपर स्नैपशॉट लग रहा है। उसके बाद वहाँ पर जितने भी इसके जो आप कह सकते ES, AX, BX, CX और DX वगैरह जो ना हम यहाँ पर कर देंगे स्टैक के अंदर पुश आउट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ रहे कॉलम आ जाएंगे, ये रोज आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई करें DI से, ताकि हमारे पास क्या हो जाए कॉलम बाय कॉलम चलता रहे, ठीक है ना। फिर क्या होगा, DI के अंदर एक साथ आ जाएगा, जाहिर पता है जब हमने ये जो कॉलम बनाया हुआ रो बनाया हुआ उसको DI में प्रिंट करेंगे ना, फिर DI के जरिए हम क्या करेंगे अपने वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करेंगे। यहाँ पर देख रहे हो शिफ्ट लेफ्ट किया, ये सारा भी फॉर्मूला जो पहले पढ़ चुके हैं ना स्क्रीन का फॉर्मूला मालूम करने के लिए, ये सारा भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये चीज़ है हमारा प्रिंटिंग का, वीडियो मेमोरी मालूम करे थे ना, वीडियो मेमोरी मालूम करे थे। अब यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास AX में क्या सेवा, 0xB800 वीडियो ग्राफिक आ गया, ES एक्स्ट्रा सेगमेंट में क्या आ गया, वहाँ पर AX आ गया हमारे पास, यानी कि वीडियो बेस पॉइंटर वहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, AX में BP+4, अब BP+4 में क्या है, यानी कि जो AX के अंदर वैल्यू थी, AX में क्या वैल्यू थी हमारे पास, AX के अंदर वैल्यू थी हमारे पास आई थिंक सो ये वाली वीडियो मेमोरी, ठीक है ना। हमारे पास BP+4 में क्या आ गया, लोड नंबर आ गया, ठीक है ना, जो हमारे पास अभी कॉलम रो का नंबर है ना वो यहाँ पर आ गया। फिर क्या करते हैं BX16, अब BX16 का मतलब क्या है कि हमने जो है उसको 16 से डिवाइड करना है। 16 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास जो वर्ड है वो 2 बाइट पे काम करता है, और 2 4 का क्या होता है 16 होता है, काउंटर हमारा 4 पे चलेगा, लेकिन जो इसके बाइट्स होंगे बिट्स होंगे किस तरह होंगे 16 क्लास में, क्यों, क्योंकि वर्ड है, अगर हमें 4 बाइट इस्तेमाल करना है तो उसका वर्ड क्या होगा हमारे पास 16 होगा, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 4 16, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता है, हम लेक्चर नंबर 9 में हम तफसील से बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंटिंग नंबर में क्या होगा, नेक्स्ट डिजिट में आ जाएगा,
नेक्स्ट डिजिट क्या करेगा, हमारे पास dx 0 पे लेकर जाएगा यानी कि अपर हाफ, डिवाइडेड का जो अपर हाफ होगा एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ठीक है ना, 0, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर देंगे इसे 0 से bx में कर देंगे हम, ठीक हो गया। फिर क्या करेंगे, एट dl 0x30, यानी कि हम लोगों ने करना है जो सा भी ASCII कोड आया है ना, जो सा भी हमारा नंबर है उसको प्लस कर देंगे किससे, 0x30 से, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, डिजिट के अंदर, डिजिट की ASCII वैल्यू में। जारी बात है हमारे पास जो सारा काम होता है वो किस पे काम होता है, ASCII उसमें काम हो रहा होता है ना, बाइनरी नंबर में। अगर बाइनरी टू हमें ASCII में जाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर 30 से प्लस कर देंगे, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली उसको हमारे पास क्या आ जाएगा, ASCII नंबर आ जाएगा। और चेक करेंगे कहाँ तक, 39 तक, यानी कि हमारे पास जो डिजिट है जो आ रहा है वो 39 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि आप कह सकते हो 39 हमारे पास बेसिकली एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना। अगर हमारे पास जो डिजिट आ रहा है वो अल्फाबेट है कि नहीं, अगर अल्फाबेट नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसे चलता रहेगा काम। अगर अल्फाबेट हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास अल्फाबेट को स्किप करना पड़ेगा, हम यहाँ पर अल्फाबेट को यहाँ पे करेंगे हम लोग स्किप कर देंगे, यानी कि आप सिंपल सा एक उसको एट्रीब्यूट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना, और उसको स्किप कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि उसकी जगह हम क्या प्रिंट करेंगे, स्पेस प्रिंट कर देंगे, उसकी जगह हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, स्पेस प्रिंट कर देंगे। फिर दोबारा से क्या करेंगे, डी आई को सब्ट्रैक्ट करके दोबारा नेक्स्ट डिजिट में आ जाएंगे, चेक करेगा अगर डिजिट है, ठीक है, अगर डिजिट नहीं है उसे स्किप कर देगा, अगर अल्फाबेट नहीं होगा फिर क्या करेगा, डीएल के अंदर 7 को प्लस कर देगा, ठीक है ना, ताकि हमारे पास जो है ना अल्फाबेट का उसका कोड हो जाए पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या कर, सारे जो रजिस्टर हम लोगों ने यहाँ पर पुश किए थे सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे बस। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है प्रिंट एसटीआर, पहले ऊपर क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास प्रिंट नंबर, नंबर का प्रिंट के लिए था, अब नीचे हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग का प्रिंट करने के लिए आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखकर हमें यहाँ पर अल्फाबेट को स्किप कर दिया था, यहाँ पर हम लोगों ने किया था अल्फाबेट को स्किप किया था, जबकि नीचे हमारे पास क्या होगा, अल्फाबेट स्किप नहीं होगा, सिंपल सा काम हुई चीज़ जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पुश करेंगे यहाँ पर सर्टिफिकेट रजिस्टर वगैरह, वीडियो मेमोरी में आएंगे, मैम लोकेशन में आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। और पहले बता दूँ मैं, ये जो नंबर है ना, ये नंबर बेसिकली हमारे पास फ्लैग रजिस्टर्स के कोड हैं, फ्लैग रजिस्टर्स के हमारे पास क्या कोड है कि कौन सा फ्लैग रजिस्टर अभी पुश हुआ स्टैक के अंदर, मैं पहले बता दूँ, ये वो चीज़ है उसका एड्रेस होगा इसके अंदर, जो प्रिंट नंबर होगा ना, बेसिकली हमारे पास ये फ्लैग रजिस्टर्स का एड्रेस होगा जो कि नंबर में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है ना। हमने बेसिकली शो करना है कि यहाँ पर देख लो ऊपर स्ट्रिंग बना ना, ये स्ट्रिंग बना हुआ, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्लैग है कौन सा वाला, एफ एल का मतलब फ्लैग लिखा हुआ है, कौन सा वाला आप कह सकते हो, मेमोरी में इसका कोड नंबर क्या है, सी एस का कोड नंबर क्या है, आई पी का कोड नंबर क्या है, बी पी का कोड नंबर क्या है, ए एस का कोड नंबर क्या है, बी एस का क्या है, सी एस का क्या है, डी एस एस आई डी आई डी एस और ई एस अकाउंट नंबर क्या आ रहा है एड्रेस ब्लॉक में अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो चार बिट, क्या चार बिट कैसे, 1, 2, 3 और ये चार, ये चार बिट हमने लिखा ना वहाँ पर काउंटर के अंदर, यानी कि कितने वर्ड हो गए, 16 वर्ड हो गए, हम लोगों ने इसे यहाँ फैच किया और इसके इक्वल के आगे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, नंबर प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट नंबर के जरिए, और प्रिंट स्ट्रिंग से क्या प्रिंट करेंगे हम, ये चार बिट प्रिंट करेंगे हम, ठीक है ना, हम ये बेसिकली काम कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा प्रिंट एसटीआर में, हमारे पास करेक्टर बाय करेक्टर, यहाँ पर देख रहे हो BP+6 और BP+4, इसमें हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है, ऊपर स्ट्रिंग बना ना उसकी लेंथ आ रही है और साथ ही साथ उसका चार बिट का नंबर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर एट्रीब्यूट नंबर आ रहा है, यानी कि आप कह सकते हो व्हाइट कलर होगा, ठीक है ना, प्रिंटिंग के अंदर और कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट वेक्टर में आता रहेगा, लूप चलेगा, नेक्स्ट वेक्टर प्रिंट होता रहेगा, वन बाय पहले एफ प्रिंट हुआ, फिर एल पर इक्वल, फिर स्पेस आएगी, फिर इक्वल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या प्रिंट शुरू हो जाएगा हमारे पास, आप कह सकते हो प्रिंट नंबर शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए और क्या, फिर KBSR हो जाएगा, KBSR बेसिकली क्या है, जारी बात है जो आपने एक चीज़ प्रिंट कर दी, यानी कि FL इज इक्वल टू उसकी वैल्यू आ गई, फिर क्या करेंगे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे कोई भी प्रेस कर देंगे, ठीक है ना। अभी KBSR जो है ना वहाँ पर कब एक्टिवेट होगा, हुकिंग में एक्टिवेट होगा, यानी कि इंटरप्ट पे एक्टिवेट होगा। हमारे पास जो है यहाँ पर एक चीज़ प्रिंट होगी, मिसाल के तौर पर FL इज इक्वल टू उसका आगे कोड आ गया, FL इज इक्वल टू उसका आगे आ गया, उसका कोड आ गया, फिर क्या होगा, एक कोड प्रिंट करने के बाद ऑटोमेटिकली KBSR एक्टिवेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने नीचे जो है ना आप कह सकते हो हुकिंग लगाई हुई, यानी क्या वो लगाई हुई इंटरप्ट 8 वो लगाया हुआ है, एक 9 लगाया हुआ है, एक हमने 4 लगाया हुआ है, ठीक है ना, और 3 भी आप आई थिंक सो इस्तेमाल किया हुआ होगा उन्होंने, नीचे हमने इस्तेमाल किया, इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, एक इंटरप्ट 1 इस्तेमाल किया इन्होंने, ठीक है, और एक इंटरप्ट इन्होंने 9 इस्तेमाल किया। इंटरप्ट 1 जो है हमारे पास क्या करेगा, जो ट्रैप ऐसा है ना, ट्रैप आया सर, ट्रैप आया सर, मतलब बेसिकली ट्रैप फ्लैग को एक्टिवेट करेगा और डीएक्टिवेट करेगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देख रहे ट्रैप आया सर में क्या हो रहा है, आप ये सारी चीज़ें पुश हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, ये चीज़ फ्लैग को क्या चेक करेगा, अगर 0 पे है तो वेट करेगा, अगर 1 पर होगा तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये चीज़ें वगैरह बेसिकली क्या है, फ्लैग नंबर बता रहा है कि टोटल यहाँ पे कितने रजिस्टर, 12 रजिस्टर होते हैं, और 12 के 12 रजिस्टर हम लोगों ने यहाँ पे करना प्रिंट करने,
ठीक है ना। उसके बाद लूप लगा हुआ है, लूप पर देखना यहाँ पर, ये चीज़ वो चीज़ है जो हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। लूप थ्री से क्या प्रिंट हो रहा है, प्रिंट नंबर प्रिंट हो रहा है, और लूप वन से, और लूप वन से क्या प्रिंट हो रहा है, उसका स्ट्रिंग नंबर से प्रिंट हो रहा है। यानी कि हमारे पास जो प्रिंटिंग आएगा ना, प्रिंटिंग में क्या होगा, हमारे पास स्टार करके लिखा आएगा। यहाँ पर आते हैं एफ एल, यहाँ पर लिखते हैं एफ एल, ठीक है, स्पेस इक्वल, आगे वहाँ पर कोई भी कोड इसका आ जाएगा स्टार करके, जो उसका मेमोरी में सेव होगा, ठीक है ना। ये कोड वैसे के लिए क्या है, इस फ्लैग का रजिस्टर होगा, फिर एंटर होगा, फिर यहाँ पर जो सी एक्स आ जाएगा उसका कोड आ जाएगा, ठीक है ना। एंटर करते हैं, उसके बाद यहाँ पर ए एक्स का कोड आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू स्टार करके, ठीक है ना। जो हमने ऊपर स्ट्रिंग बनाया हुआ ना, स्ट्रिंग बनाया हुआ है ये वाला, ये स्ट्रिंग बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये वो चीज़ है। चार बिट पकड़ेगा प्रिंट कर देगा, फिर चार बिट पकड़ेगा फिर प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। ये वो चीज़ का पूरा कोड बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर एक को यहाँ पर क्या कर रहा है, रिसेट कर रहा है, फिर उसको यहाँ पर आई बी टी निकाल रहा है। आई बी टी का मतलब क्या है, यानी कि जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल होता है ना, यहाँ पर उसको सेट कर रहा है। इसके हमने यहाँ पर इंटरप्ट किया, यहाँ पर हुकिंग लगाई, ओल्ड आई एस आर को यहाँ पर ए एक्स में सेव कर दिया, ठीक है ना। और ए एक्स के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, एक और इंटरप्ट नाइन को कॉल किया, ठीक है ना। और इसके अगले आई एस आर के अंदर हम लोगों ने उसके, यानी कि ओल्ड आई एस आर प्लस टू, यानी कि जो वेरिएबल बना हुआ ना, उसके जीरो इंडेक्स में हम लोगों ने ओल्ड आई एस आर सेव किया। उसके सेकंड इंडेक्स में हम लोगों ने क्या सेव किया, जो जो हमने हुकिंग बनाई है न्यू हुकिंग, वो सेव की। यहाँ पर देख रहे हो ए एक्स के अंदर ये आ गया, ठीक है। उसके बाद वर्ड इंटरप्ट वन कॉल किया, उसके अंदर हम लोगों ने क्या सेव किया, ट्रैप आई एस आर। उसके अगले लोकेशन में हम लोगों ने क्या सेव किया, सी एस को सेव कर दिया। सी एस का ताकेदारी बात है, जो हुकिंग लगाते हो आप लोग उसमें काउंटर सेक में तो सेव करना होता है, आपको पता है चीज़ का। उसके बाद सी आई का मतलब क्या है, एस टी आई क्या करता है, हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग को क्या करता है, लेफ्ट राइट करता है। और सी एल आई क्या करता है, सी एल आई क्या करता है, हमारे पास डिसेबल करता है उस चीज़ को, यानी कि राइट टू लेफ्ट कर देगा, ठीक है ना। हम इसके अंदर काम कर सकते हैं, ये चीज़ हम पहले बढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या होगा, के बी एस आर जो हम लोगों ने अपना बनाया इंटरप्ट नाइन के जरिए, के बी एस आर कॉल किया। इंटरप्ट नाइन क्या होता है, हमारे पास कीबोर्ड के लिए होता है, अगर आपको याद हो इंटरप्ट नाइन किसके लिए था, कीबोर्ड के लिए था, ठीक है। और उसके अगले सेगमेंट में क्या सेव कर दिया, सी एस सेव कर दिया। बस आप लोगों ने याद रखना, सी एस आज में सेव। एस टी आई में क्या होगा, कीबोर्ड के जो कीज़ होती हैं लेफ्ट राइट वाली, वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे यहाँ पर हम, ये वो चीज़ है जिसमें हम ट्रैप फ्लैग को लेबल करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ट्रैप फ्लैग को यहाँ पर अनेबल करेगा। फिर क्या करेगा, यहाँ पर नीचे आकर प्रिंटिंग करना शुरू कर देगा ये चीज़, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो 10 20 40, बेसिकली हमारे पास क्या है, इंटर वन एक्टिवेट होगा लाइन बाय लाइन कोड, यानी कि इसमें एक जीरो, इसके बाद फौरन क्या हो जाएगा, ट्रैप फ्लैग अनेबल हो जाएगा। ये अनेबल होगा ऑटोमेटिकली, फिर क्या होगा, ट्रैप फ्लैग अनेबल हो जाएगा, यानी कि जो ट्रैप आई एस आर वाला फंक्शन है ना, ट्रैप आई एस आर वाला फंक्शन, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली अनेबल होगा हर एक कोड के एग्जीक्यूट होने पर। कौन से कोड के एग्जीक्यूट होने पर, ये वाले, ठीक है ना, लाइन बाय लाइन, यानी कि फर्स्ट लाइन में दोबारा ट्रैप असाइन होगा, फ्लैग वन एक्टिवेट हो जाएगा, फिर फ्लैग टू, फिर फ्लैग थ्री, फिर फ्लैग फोर, वन बाय वन क्या होगा, वहाँ पर प्रिंटिंग होती रहेगी। एल टू बेसिकली यहाँ पर बस क्या कर रहा है, जंपिंग वगैरह कर रहा है, ठीक है ना, जो कि ए एक्स बी एक्स सी एक्स की वैल्यू को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ताकि हमारे पास जो है ना फ्लैग वगैरह हर प्रॉपर तरीके से प्रिंटिंग करे, ठीक हो गया, इसे अगर काम कर रहा है। उसके बाद यूजिंग ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट आपको पता है इंटरप्ट थ्री के साथ काम करता है, किस तरह काम करता है, इंटरप्ट थ्री के साथ। इसका जो पॉइंट टू है ना, ये वाला, ये सेम ऐसा सारा वही कोड है, सारा का सारा वही कोड है, ठीक है ना। इसके अंदर बस क्या इस्तेमाल हुआ है, इंटरप्ट थ्री इस्तेमाल है, यहाँ पर देख रहे हो क्या इस्तेमाल है, यहाँ पर इंटरप्ट थ्री इस्तेमाल है, यहाँ पर फंक्शन बना डीबग आई एस आर। डीबग आई एस आर क्या करता है, हमारे पास बेसिकली वन बाय वन, जैसे हमने ऊपर काम किया ना, डीबग आई एस आर वाला काम करता है, सारे पुश किए यहाँ पर, उसके बाद वो चीज़ यहाँ पर ऐसा करके क्या करेगा, हमारा ऑप कोड को रीड करेगा, क्या रीड करेगा यहाँ पर, ऑप कोड। ऑप कोड बेसिकली क्या है, हमारे पास ये चीज़ कि इसका कोड क्या होगा, इस वाले सॉरी मूव का कोड क्या होगा, ए का कोड क्या होगा, बी का कोड क्या होगा, उसे क्या करेगा, स्टैक में पुश कर देगा, फिर वन बाय वन करके उसे प्रिंट कर देगा, और कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। वन बाय वन करके क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देख रहे लिखे ना, यहाँ पर ये चीज़ सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, सारा प्रोग्राम वही है, इसके अंदर क्या है, ऑफ कोड को भी साथ साथ क्या करेगा, प्रिंट करेगा कि इसका ऑफ कोड का एड्रेस क्या है, उसके ऑफ कोड की पोजीशन क्या है एड्रेस के अंदर, वो सब चीज़ें यहाँ प्रिंट करेगा, ठीक है। ये वैसे बस प्रोग्राम पढ़ो, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ना बस समझने के लिए, आपके जो थोड़ा बहुत जो है ना इंटरप्ट समझने के लिए, कि इंटरप्ट वर्क कैसे करता है, ब्रेक पॉइंट कैसे वर्क करता है, और आप कह सकते हो सिंगल स्टेप वर्किंग कैसे इसके अंदर होती है। लेक्चर नंबर 10 जो है ना इसी के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया लेक्चर नंबर 10, कोई इशू नहीं है, बस आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि इसके अंदर है क्या, प्रोग्राम याद करने की जरूरत नहीं है इसका, ठीक है। लेक्चर नंबर 11 थोड़ा बहुत जो है अब समझने वाली चीज़ है, और वहाँ से जो है शॉर्ट वगैरह और थोड़ा बहुत एक लॉन्ग भी मेरे खास उसमें से बनता है,
ठीक है, फाइनल टाइम के अंदर, ठीक है। इंशाल्लाह फिर उसके भी हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।